बैल मुझे मार, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन यह कहावत कभी कभी सच भी हो जाती है। और ये कहावत सच हुई जलगांव में, वो भी बजरंग टनल के पास, जहां पर महानगर पालिका की मेहरबानी से ऐसा टनल बनाया गया है जहां थोड़ी सी बरसात के बाद वो तालाब बन जाता है। अगर आप चाहें तो वहां वोटिंग कर सकते हैं। सोमवार को भी भरी बरसात में एक स्कोडा कार सवार को बोटिंग करने का शौक हुआ और वह जनाब मनपा के द्वारा बनाए गए इस टनल के तालाब में निकल पड़े। फिर क्या था, स्कोडा कार थी, कोई वोट नहीं, तालाब को पार कैसे कर जाती। जनाब बीच रास्ते में ही फंस गए। वो तो अच्छा हुआ कि समय दिन का था, इसलिए कुछ लोग उन्हें वहां बचाने के लिए तालाब में उतर आए और उन्हें पकड़कर बाहर लाया गया। जान तो बच गई, लेकिन माल अर्थात स्कोडा कार का नुकसान हुआ है, जो किसी भी बोटिंग को बुला देगा। एक तो उस कार सवार को उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए था, दूसरी ओर मनपा को भी ये देखना चाहिए कि जो कुछ हम बना रहे हैं वह पब्लिक के कितने काम आएगा। ये जो टनल बनाई गई है, ये अक्सर थोड़ी सी बरसात के बाद इसी तरह तालाब बन जाती है, क्योंकि आसपास से पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पता नहीं कौन सा होशियार इंजीनियर था इसे बनाने के लिए, जो इसे बना तो गया लेकिन परेशानी जनता के लिए खड़ा कर गया। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया आप तक न्यूज के लिए। शुभमंगलम् नक्षत्रमंगलम् अलंकारमंगलम् रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, भारत वर्ष का स्वर्ण तीर। Hey guys,